Now, after completing exercise 10.1, let's move to the concept of exercise 10.2. जो exercise 10.2 का जो आपका concept है, that is equation of life. तो first of all, मैं आपको concept भी साथ साथ में करवाता जाऊंगा, उन concept से related जो questions है वो भी साथ साथ में करवाता जाऊंगा. तो first of all, equation of line. अभी तक आपने 10.1 का concept क्या था? Slope of a line. 10.1 में हमने ये देखा कि अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो हम उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे. अगर अगर लाइन जो है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रही है तो उसका स्लोप क्या होगा? दैट इज टेन थीटा. अब 10.2 का जो आपका कंसेप्ट है वो ये है कि किसी भी लाइन, जैसे कि एक लाइन है जो दो पॉइंट ए और बी से पास हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो उस लाइन की हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे कि एक लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट हो गया ए 1 2, एक पॉइंट हो गया -3 -4. तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के वेरियस मेथड्स क्या है? देखो, एक मेथड तो ये है, दो पॉइंट तो आपको ऑलरेडी गिवन है. मैंने एज्यूम कर लिया कि इसी लाइन पर एक पॉइंट है पी. मैंने एज्यूम किया कि इसी लाइन पर एक तीसरा पॉइंट ले लिया, मैंने थर्ड पॉइंट ले लिया पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स और वाई. तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सही हो गया x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, और पॉइंट पी के हो गए x3 y. अब ये आपने 10th क्लास में स्टडी किया था कि अगर तीन पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो जीरो होता है. भाई, अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? जीरो. ये हमने 10th क्लास में स्टडी किया था. तो अगर मैं इस कंसेप्ट का यूज करता हूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ मॉडुलस साइन x1, x1 की जगह क्या आ जाएगा? 1. फॉर्मूला क्या था? पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस साइन x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 - y2. ये आपने स्टडी किया था. तो हाफ ये हो गया हाफ x1, x1 की जगह क्या आ जाएगा? 1, दैट इज 1. y2 - y3, y2 क्या आपका? -4 - y. तो ये हो गया -4 - y. प्लस x2, तो x2 की जगह क्या आ जाएगा? -3 - 3. y3 - y1, y3 की जगह क्या आ जाएगा? y - y1, दैट इज 2. प्लस x3 की जगह क्या आ जाएगा आपका? x. y1 - y2, तो y1 क्या है आपका? 2 - y2. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4, एंड इट इज इक्वल टू 0. अब ये जो हाफ वैल्यू है ये जीरो से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी? 0. तो व्हाट वी विल हैव? -4 - -4 - y - 3y - - +6, 2 + 4 = 6, 6 × x, 6x equal to 0. Now, 6x minus 6x minus 3y minus 5 minus 4y और 6 minus 4 क्या हो जाएगा? +2 equal to 0. Further आप यहाँ से 2 common ले सकते हो, यानी कि dividing both side by 2 आप ऐसे भी कर सकते हो. 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, और 0 को 2 से divide करोगे 0 ही आएगा. तो आपने ये, आपने एक मेथड जो ऑलरेडी सीखा हुआ था उस मेथड का यूज करके आपने इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो उनकी इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है, एक मेथड तो ये हो गया. अब दूसरा मेथड जो आपने अभी 11th क्लास में सीखा है वो क्या सीखा है आपने? कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो, थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो स्लोप ऑफ बी पी के क्या होगा? इक्वल होगा. यही हमने सीखा है. तो अगर मैं उस कंसेप्ट को यूज करता हूँ तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी. स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 -4 - 2 अपॉन x2 - x1 -3 - 1. तो -4 - 2 अपॉन -3 - 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी y2 - y1 y माइनस माइनस क्या होगा? प्लस y + 4 अपॉन x + 3 y + 4 अपॉन x + 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x + 3 = 9, 2y + 2 = 4z, 3x - 2y, 9 - 3. तो आप देखो यहाँ इस कंसेप्ट से भी आपकी क्वेश्चन ऑफ लाइन सेम आ रही है, और सेम आनी भी चाहिए क्योंकि लाइन की क्वेश्चन अलग अलग तो हो नहीं सकती.
आप चाहे दो मेथड अप्लाई करो या थ्री मेथड से अप्लाई करो, सभी से जो लाइन की इक्वेशन है वो सेम ही आनी चाहिए जो आपकी आ भी रही है। तो आपने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन को जो अभी तक हमने सीखा है उन मेथड्स का यूज करके हम किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। बट अगर इसको एक फॉर्मूले से निकालना हो, एक पर्टिकुलर मेथड से फाइंड करना हो, तो आपकी बुक में जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका पॉइंट स्लोप। अब डायरेक्टली अगर मैं इसको एक मेथड से रिलेट करूँ, एक फॉर्मूले से रिलेट करूँ, तो वो मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड क्या था इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का, इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब अगर आपको किसी भी लाइन का, अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, यानी कि अगर आपको उस लाइन का एक पॉइंट गिवन है से एक्स वन वाई वन, और आपको क्वेश्चन में उसका स्लोप भी गिवन है, तो आप उसका, आपको उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो से ये आपकी लाइन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका स्लोप एम, इसका स्लोप जो है वो एम है, वो आपको गिवन है, और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है एक्स वन वाई वन, ये भी गिवन है। मैंने एज्यूम कर लिया कि इसी लाइन पर एक पॉइंट है जनरल पॉइंट, कोई भी एज्यूम कर लिया एक्स वाई, लेट एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन बी एक्स वाई, ये मैंने एज्यूम किया तो मैंने यहाँ पे लेट लिखा, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आपको भी पता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है एम, मैंने लिखा स्लोप ऑफ अ लाइन एम, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन था और एक पॉइंट को मैंने सपोज कर लिया, तो दो पॉइंट मेरे पास ये भी है, तो ये जो स्लोप है आपका एम, इट विल बी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है एक्स वन वाई वन, जिस पॉइंट से वो पास हो रही है वो क्या हो गया एक्स वन वाई वन, और अगर उसका स्लोप जो है वो एम, अगर क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एम इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। और एक स्टेप आगे जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है कंसेप्ट, ये इसी कंसेप्ट को आप कैसे ले सकते हो, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो ये भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है और ये भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। तो आपने क्या सीखा कि बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे एक्स वन और वाई वन वो पासिंग पॉइंट होता है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और एम स्लोप की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम, और इसी को आप कैसे ले सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। अब इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। अब जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू। मैं ऑर्डर अपने हिसाब से करवाऊंगा आपको, पर क्वेश्चन सारे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू क्या आपका, देखो आपको पासिंग पॉइंट गिवन है माइनस फोर थ्री, और आपको स्लोप भी गिवन है। अगर पॉइंट गिवन है और लाइन का स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कंसेप्ट से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ अ वैल्यू गिवन आपको वन बाय टू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ अ वैल्यू गिवन है आपको वन बाय टू, राइट। और जो पॉइंट एक्स वन वाई वन उसकी वैल्यू गिवन है माइनस फोर थ्री, तो स्लोप ऑफ अ वैल्यू हो गया आपका वन बाय टू, और जो गिवन पॉइंट है एक्स वन हो गया माइनस फोर, वाई वन हो गया थ्री। तो बाय द पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय द पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने क्या देखा, दैट वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, यही हमने देखा था। तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन की जगह क्या आ जाएगा थ्री, एक्स माइनस एक्स वन। देखो मैंने आपको कहा कि आपकी बुक में ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी हुई है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इलेवन क्लास में तो कोई इशू नहीं आएगा, ट्वेल्थ क्लास में भी काफ़ी हद तक काम चल जाएगा, लेकिन जब आप कॉलेज लेवल पे जाओगे ना,
आपको इस तरह से काम नहीं करना पड़ेगा, आपको जो काम है वो इस तरह से करना होता है। तो इसलिए मैं जो आदत डाल रहा हूँ आपको वो उसी फॉर्म की डाल रहा हूँ जो आगे भी आपको एक हैबिट बन जाए। दोनों में कोई फर्क तो है नहीं, दोनों एक ही चीज है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है आपकी वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, राइट। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कह रहा हूँ 11th क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको सीधा भी ले सकते हो। वी नो दैट बाय पॉइंट्स लॉ फॉर वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस वाई वन ये हो जाएगा थ्री इक्वल टू एम, एम की जगह क्या आ जाएगा वन बाय टू एक्स, माइनस एक्स वन की जगह क्या आ जाएगा माइनस फोर। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एक्स प्लस फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा टू वाई, थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। अब इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, इक्वल टू में जीरो आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये x है, ये प्लस टू वाई यहाँ पर मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू वाई, फिर ये ऑलरेडी प्लस फोर है, ये माइनस सिक्स यहाँ पर मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप आंसर चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू एक्स माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, राइट। तो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया टू वाई माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर। एक इक्वेशन ऑफ लाइन पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए जीरो, तो ये सभी वैल्यू को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया एंड अवर फाइनल आंसर इज एक्स माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी इसी पर बेस्ड है आपका। कैसे देखो, आपको पॉइंट गिवन है, ये हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है वो भी गिवन है, तो पॉइंट गिवन है आपको, एट द सेम टाइम आपको स्लोप भी गिवन है। स्लोप क्या है आपका एम, आपको इसकी इक्वेशन इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है इसका इक्वेशन, देखो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप है आपका एम और लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है एक्स वन और वाई वन से, तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म कंसेप्ट क्या होता है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, तो y1 की जगह क्या आ जाएगा जीरो, x1 की जगह क्या आ जाएगा जीरो इक्वल टू एम, राइट। तो y बाय एक्स इक्वल टू एम, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स, मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू में क्या होना चाहिए जीरो, तो y को हम जैसे यहाँ शिफ्ट करेंगे एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, दिस इज वाई इक्वल टू एम एक्स, बट आइडियली आपको लिखना कैसे है एक्स देन वाई देन इक्वल टू जीरो, दिस इज द राइट वे टू डू द क्वेश्चन। ओके, नाउ अब मैं आपको करवा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन बतानी है। तो देखो एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एक्सिस। तो जब मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, फोर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब जो लाइन है आपकी वो सिर्फ एक्स एक्सिस से ही पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया थ्री जीरो, मैंने एक पॉइंट ले लिया क्या 30 की लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। अगर लाइन 30 से पास हो रही है तो y तो 0 है, इसका मतलब x एक्सिस से पास हो रही है, तो x1 क्या हो गया आपका 3 और y1 क्या हो गया 0, तो ये तो हो गया पॉइंट। अब मुझे फाइंड करना है इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप फाइंड करने के दो मेथड है आपके पास, आपको पता स्लोप का एक तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और एक स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए मुझे दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये इस मेथड से स्लोप तभी आप फाइंड कर सकते हो व्हेन यू हैव टू पॉइंट्स। तो लेट अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन बी 50, भाई अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बस उसका वाई जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई क्या रखना है जीरो। तो एक पॉइंट अगर मैंने 30 लिया तो दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया 50, तो बाई यूजिंग दिस मैथड, तो इस मैथड से अगर मैं
एज यू आर हैविंग टू पॉइंट्स नाउ, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, वाई टू माइनस वाई वन, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, फाइव माइनस थ्री, जीरो ओवर एनीथिंग क्या होगा, जीरो। तो अगर इस मेथड से आप स्लोप फाइंड करते हो तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जीरो। अब अगर मैं इस मेथड से फाइंड करता हूँ तो देखो थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा क्या होता है कि वो जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, अब वो लाइन खुद ही एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा उसका, जीरो। तो थीटा यहाँ पर हो गया जीरो। तो अगर आप इस मेथड से स्लोप फाइंड करते हो तो एम इक्वल टू क्या होगा, टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो पासिंग पॉइंट ये भी हमने ले लिया और हमने स्लोप की वैल्यू भी फाइंड कर ली, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या हो गया आपका जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या हो गया, एक्स वन को हमने क्या लिया है, थ्री, इक्वल टू एम, यही होता है ना पॉइंट बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू क्या आई है, जीरो, और एक्स वन वाई वन हमने लिया थ्री कॉमा जीरो, तो ये एक्स वन है और ये वाई वन है। तो जब आप इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूले में पुट करोगे तो बट यू विल हैव वाई माइनस वाई वन, वाई वन हो गया जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर वो जीरो के इक्वल होता है, अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर जीरो के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है कि उसका न्यूमरेटर जीरो है, सिंपल। अगर कोई भी फ्रैक्शन जो है आपका वो नॉट डिफाइंड के इक्वल होता है, अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नॉट डिफाइंड के, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड के इक्वल होता है, इसका मतलब होता है कि जो उसकी डिनोमिनेटर वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है तभी वो कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। तो ये चीज़ मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जीरो के इक्वल है, इट मीन्स इट्स न्यूमरेटर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू अगर नॉट डिफाइन के इक्वल है, इट मीन्स इट्स डिनोमिनेटर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है, अगर कोई भी फ्रैक्शन मेरा जीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि इट्स न्यूमरेटर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं अब और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये हमने फाइंड कर लिया वाई इक्वल टू जीरो, नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस फॉर वाई एक्सिस। अगेन अब वाई एक्सिस की बात है तो मैंने एक पॉइंट ले लिया वाई पर, जब एक्स एक्सिस की पॉइंट थी, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, यानी कि अब जो लाइन है आपकी वो सिर्फ वाई एक्सिस से पास हो रही है, तो वाई एक्सिस से मैंने एक पॉइंट ले लिया, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, अब आपकी मर्जी, अब आप उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लो या नेगेटिव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने जो पॉइंट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से पास हो रही है तो उसका जो एक्स ऑर्डिनेट है वो जीरो होगा। जैसे अभी आपने देखा कि जब लाइन एक्स एक्सिस से पास हो रही है तो उसका वाई जीरो था, इसी तरह से जब लाइन वाई एक्सिस से पास होगी तो उसका एक्स पॉइंट क्या होगा, यानी कि एब्सिसा क्या होगा, जीरो। से कोई पॉइंट मैंने ले लिया जीरो माइनस थ्री, अब यहाँ पर एक्स वन क्या हो गया जीरो और वाई वन क्या हो गया माइनस थ्री। अब ये जो वाई एक्सिस से लाइन पास हो रही है, यानी कि वाई एक्सिस का मतलब जो लाइन है आपकी वो वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का मतलब, एक्स एक्सिस का मतलब जो लाइन है आपकी वो एक्स एक्सिस है। तो जब y एक्सिस की बात हो रही है कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, अब जो y एक्सिस है, अब ये देखो ना, जो थीटा होता है वो क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। आपकी जो लाइन है वो क्या है, y एक्सिस। अब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। तो जो आपका स्लोप है वो क्या होगा, थीटा अगर 90 है तो 1090, और 1090 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म का कंसेप्ट लगाया, वो क्या होता है, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, वाई माइनस वाई वन, वाई वन आपका क्या है माइनस थ्री, तो माइनस 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 थ्री, एक्स माइनस एक्स वन आपका क्या है जीरो,
और जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आई है आपकी, नॉट डिफाइंड। मैंने आपको अभी बताया, मैं पहले ही बता चुका, अगर कोई भी फ्रैक्शन इन्फिनिटी के इक्वल आता है इसका मतलब जो उसका डिनोमिनेटर वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो। इफ एनी फ्रैक्शन वैल्यू इज इक्वल कमिंग आउट टू बी इक्वल टू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कब होगा, जब उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इट मीन जो आपकी इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस है वो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इसका आंसर चेक करो, यू कैन सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो, राइट।